रोडवेज कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ हड़ताल की और इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस मसले पर रोडवेज कर्मचारी संघ 3 दिन की हड़ताल पर है। जनहित में बनाए गए हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इससे लगता है ये हड़ताली लोगों को जनता की जान की परवाह नहीं है। लोग जहां नए कानून के पक्ष में हैं, वहीं आदेश को वापस लिए जाने को लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ उत्तराखंड में हड़ताल पर चला गया है। कर्मचारी संघ के मंडलीय संगठन मंत्री अनवर कमाल ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर नया कानून बनाया है, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। यह हड़ताल जो है वो ड्राइवर संबंधी एक आदेश संसद में ऐसा पास हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो ड्राइवर हैं उसके लिए 10 साल की सज़ा और 7 लाख का प्रावधान रखा है। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको सरकार मार देगी, और अगर वहीं पर रहता है तो पब्लिक मार देगी। ऐसा कानून जो है ये इतना गंभीर आरोप लगा के इसको जो लागू किया है, जो हमारे चालक भाइयों को किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं है। और ये जो घरेलू हैं लोग हैं उनके जो ड्राइवर है जो कार चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं उनके लिए भी ये नियम लागू हो रहा है। इस नियम का सभी चालक परिचालक और आम आदमी सब इसका भर्त्सना करते हैं और प्रबल विरोध करते हैं। ये कानून बिल्कुल जनहित में नहीं है, इसको सरासर इसको नकारा जाता है। ये हड़ताल हमारी 3 दिन तक सांकेतिक रूप से है और इस आगे जैसा भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से ये आगे बढ़ेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। करोड़पति तो है नहीं, ड्राइवर जो है गरीब आदमी है, अगर ये लागू होता है तो गलत ही है, इसलिए हम तो चाहते हैं भी ये मांग अपनी रद्द की जाए। 7 लाख रुपए बहुत होते हैं, बाकी 10 साल की सजा है। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो जो पूरी सुरक्षा करता है वो ड्राइवर करता है, वो ड्राइवर की 20,000 है, कनेक्टर की 20-35,000 रुपये लगभग सैलरी है। हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, हमने गाड़ियाँ चलाते हैं जो पूरी सुरक्षा करते हैं, जो कि इसमें 60 यानी कि 60 से ज़्यादा 50-60 बंदे तो उनकी सुरक्षा भी हम करते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।